आजाद हैं, आजाद रहें। चौदह अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, जिसकी वजह से हम आज़ादी से अपने मुल्क में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल और लियाकत अली ख़ान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। कायदे आज़म को क़याम पाकिस्तान के बाद वतन की खिदमत के लिए ज़्यादा वक्त और मौका ना मिल सका। कायदे आज़म ने सियासत में 42 साल नहायत ही सरगर्मी और तनदही से गुजारे, खसूसन आखिरी 10 बरस में भी, जबकि आपकी सेहत नहायत ही ख़राब थी। आपने नामौलूद सल्तनत के मसाइल की तरफ ज़ाती तवज्जो दी और अमूर मुमलिकत को चलाने में कोई कोताही ना की। लेकिन आजकल मुल्क की बड़ी नाजुक सूरत हाल है, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया, और हमने इस मुल्क के लिए क्या किया? मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें ये मुल्क लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है तो इसको साफ रखें, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेरी यही दुआ है कि हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।